हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कर रहे हैं सीबीएसई के प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल चैप्टर 1 से। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं सीबीएसई के प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल चैप्टर 1 से। तो इस चैप्टर से 2019 में सीबीएसई में जो भी न्यूमेरिकल्स आए थे वो ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियो बना दी है, वो आप देख सकते हो। पहले दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, मतलब न्यूमेरिकल्स, उसकी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो देख सकते हो। अब हम 2018 से जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा न्यूमेरिकल है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज का, फर्स्ट चैप्टर की। पहले दो क्वेश्चंस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि देयर आर फोर पॉइंट चार्जेस, कैपिटल क्या हो, स्मॉल क्या हो, कैपिटल क्या हो एंड स्मॉल क्या हो, विच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए एज शोन। तो आप देख सकते हो डायग्राम बच्चों, ये एक स्क्वायर है जिसकी हर साइड कितनी है, ए, और इसके कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हैं चार। इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर को मान लो ए, इस कॉर्नर पे चार्ज रखा है कैपिटल क्या हो, इस कॉर्नर को मान लेते हैं बच्चों हम बी, और यहाँ स्मॉल क्या हो चार्ज रखा है। ऐसे ही इस कॉर्नर को मान लेते हैं हम सी, और यहाँ पे भी स्मॉल क्या हो चार्ज है, और इस कॉर्नर को बच्चों मैं मान लेता हूँ डी, और इस पे कैपिटल क्या हो चार्ज है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब उसके बाद देखो क्या कहा है इन्होंने, इन्होंने कहा है बच्चों कि फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स होने चार्ज कैपिटल क्यू। तो इनमें से आपको कैपिटल क्यू चार्ज पे नेट फोर्स निकालनी है। अब कैपिटल क्यू चार्ज तो यहाँ पे भाई दो है, एक तो पॉइंट ए पे रखा है और एक पॉइंट डी पे रखा है, तो आप इन दोनों में से किसी एक पे फोर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए हम पॉइंट डी पे जो जो चार्ज रखा है ना कैपिटल क्यू, इस पे फोर्स निकालते हैं। तो देखो कैसे निकलेगी। अब इस पे फोर्स जो लग रही है वो तीन चार्जेस की वजह से लग रही है। तो यहाँ क्या लगने वाला है बच्चों, यहाँ पे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगने वाला है। क्या लगने वाला है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है भाई, कि जिसमें एक चार्ज पे मल्टीपल चार्जेस की वजह से हम फोर्सेस निकालते हैं। अब इस कैपिटल क्यू चार्ज पे तो भाई स्मॉल क्यू चार्ज भी फोर्स लगा रहा है, ये वाला कैपिटल क्यू चार्ज भी फोर्स लगा रहा है, ये वाला स्मॉल क्यू चार्ज भी फोर्स लगा रहा है। तो हमें सिंपली क्या करना है बच्चों, इनकी वजह से, इन तीनों चार्जेस की वजह से इस पे फोर्सेस निकालनी है और उनका वेक्टर सम लेना है। ठीक है, हमने पढ़ा है ना सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, कि यहाँ पे जो फोर्स होती है किसी एक चार्ज पे बाकी सभी चार्जेस की वजह से, इट इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। यहाँ पे हमारी जो फोर्स होगी नेट फोर्स क्या पे, वो किसके को लाएगी, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी F1, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी F2, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी F3, उन तीनों का वेक्टर सम। ठीक है, अब डिस्टेंसेस देख लेते हैं भाई। कूलम्ब सूत्र लगाने के लिए डिस्टेंस का पता होना जरूरी है। अगर मैं चार्ज क्यू की बात करता हूँ बच्चों, तो इस चार्ज से ये कैपिटल क्यू चार्ज कितने डिस्टेंस पे है, ए, क्योंकि ये एक स्क्वायर है और इसकी हर साइड की लेंथ कितनी है, ए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ए, है ना। ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये कितनी है भाई, ए है, स्मॉल ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्यू चार्ज इससे कितनी दूर है, पॉइंट सी पॉइंट डी से कितनी दूर है, ए डिस्टेंस। ऐसे ही बच्चों पॉइंट डी से कितनी दूर है, यहाँ भी ये डिस्टेंस कितनी होगी, ए। ठीक, तो इसका मतलब ये जो चार्ज है हमारा और ये जो चार्ज है, ये दोनों कितनी डिस्टेंस पे है इससे, ए डिस्टेंस पे। चलो पता लग गया। अब बात करते हैं कैपिटल क्यू चार्ज की। कैपिटल क्यू चार्ज की डिस्टेंस कैसे निकलेगी भाई, कैपिटल क्यू चार्ज की डिस्टेंस निकलेगी ये जो डायगनल है, ठीक है ना, ए से डी तक। तो ये मैं डायगनल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ। तो बच्चा पार्टी, ये जो मैंने यहाँ डायगनल ड्रॉ किया है ए से लेके डी तक का, तो बेसिकली यहाँ मुझे इस डायगनल की डिस्टेंस की लेंथ निकालनी पड़ेगी, और यही मेरी जो है पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच की डिस्टेंस होगी। सिंपल है बच्चों, ये एक स्केयर है और हमें पता है स्केयर में जो एंगल बनता है ये वाला कितना होता है, वो 90 डिग्री का। तो ये क्या बन गई बच्चों, एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गई। अब राइट एंगल ट्रेंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो फ्रॉम ट्रेंगल ए सी डी, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, हाइपोटेन्यूस का स्केयर मतलब ए डी का स्केयर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्केयर मतलब ए सी का स्केयर प्लस बेस का स्केयर मतलब सी डी का स्केयर, यही होगा भाई। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों ए डी का स्केयर कितना आएगा, अब ए सी तो ए के इक्वल है, स्मॉल ए के इक्वल तो आएगा ए स्केयर, प्लस यहाँ भी क्या आएगा, ए स्केयर।
तो यहाँ से बच्चों ए डी का स्क्वेयर कितना बन गया, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वेयर। अब ए डी क्या बन जाएगा इसका, अंडर रूट। तो ए डी का आएगा अंडर द रूट ऑफ 2 ए स्क्वेयर। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चा पार्टी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए डी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 ए, ए स्केयर अंडर रूट से बाहर आके ए बन जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए डी। तो इसका मतलब बच्चों जो ए डी है वो हमारा किसके इक्वल है, अंडर रूट 2 ए के इक्वल है। तो अब आराम से हम इन तीनों चार्जेस की वजह से फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो पहले मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ फोर्सेस का। तो हमने माना, तो हम पहले पॉइंट सी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पॉइंट सी के। पॉइंट सी की वजह से डी पे जो फोर्स लग रही है वो हम निकालते हैं। तो पॉइंट सी पे चार्ज रखा है क्या हुँ? और इसकी वजह से यहाँ फोर्स निकालनी है कैपिटल क्या होगी। तो कूलम्ब्स लग जाएगी और वो फोर्स मैंने मान ली कितनी है, F1। अभी F1 फोर्स की अगर मैं डायरेक्शन निकाल लूँ बच्चों तो क्या आएगी, देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करते हैं, रिपेल। तो ये स्मॉल क्या चार्ज इस कैपिटल क्या चार्ज को रिपेल करेगा किस तरफ, इस तरह। ये मैंने फोर्स मान ली कितनी है, F1, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है F1 का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1, Q1 कितना है हमारा, Q इंटू Q2, Q2 कितना है हमारा, कैपिटल Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्केयर। डिस्टेंस कितनी है ए, तो उसका क्या कर देंगे भाई हम, स्केयर कर देंगे। तो ये हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया बच्चों सी सी की वजह से डी पे जो लग रही है F1, ठीक। सिमिलरली बच्चों हम F2 भी निकाल लेंगे। वो हम निकाल लेंगे कौन से पॉइंट के लिए भाई, वो हम निकाल लेंगे पॉइंट बी के लिए, इस चार्ज के लिए। अब इसकी भी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ए है। तो ये फोर्स कहाँ लगाएगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है क्या वाला, ये रिपेल करेगा तो फोर्स लगेगी ऐसे नीचे की तरफ, इस तरह से F2। ये फोर्स लगेगी बच्चों नीचे की तरफ F2, है ना। तो नीचे फोर्स लगेगी तो फॉर्मूला लगा लेंगे, F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q1 कितना है Q, Q2, Q2 कितना है कैपिटल Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है ए, उसका स्क्वायर। तो ये आ गई पॉइंट बी के वजह से लगने वाली फोर्स। ऐसे ही बच्चों अब हम पॉइंट ए की बात करते हैं और उसकी वजह से भी फोर्स निकाल लेते हैं। इसकी बात करते हैं पॉइंट ए की। तो अगर मैं पॉइंट ए की बात करता हूँ बच्चों, पॉइंट ए पे चार्ज रखा है हमारे पास कैपिटल क्यू, इसकी वजह से यहाँ फोर्स निकालनी है। तो ये कितनी बनेगी भाई, इस फोर्स को मैं मान लेता हूँ F3। अभी ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको करेगा रिपेल इस तरफ, और ये फोर्स लगेगी हमारे पास ऐसे F3 बाहर की तरफ, समझ गए। तो ये फोर्स निकाल लेते हैं बच्चों, F3 मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ F3 फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैपिटल क्यू की वजह से, ठीक है ना, इस कैपिटल क्यू पे फोर्स लगेगी F3 और उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये मैंने फोर्स बना ली सपोज F3, ठीक है। इतनी ये इस तरफ लग रही है F3 हमारे पास। तो F3 का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। F3 मेरे पास क्या आएगा बच्चों, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है अभी, अंडर रूट 2 a, उसका स्क्वायर। तो यहाँ से F3 आ जाएगा बच्चा पार्टी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा साथ में a स्क्वायर, ये आ जाएगा। दिस इज द फोर्स F3। तो यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया। अब आगे की सिचुएशन को ध्यान से समझ रहे हैं बच्चों। तो हमने फोर्सेस निकाल ली, इनके मैग्नीट्यूड निकाल लिए, F1 का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, F2 का निकाल लिया, F3 का। अब आगे की सिचुएशन को जरा ध्यान से देखना, मैं नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगा। तो सिचुएशन में दोबारा से ड्रॉ करने जा रहा हूँ बच्चों। तो हमारे पास बेसिकली था क्या, देखो ऐसे ये हमारी एक स्केयर था, है ना, ऐसे स्केयर था हमारे पास। इस स्केयर में बच्चों यहाँ रखा था कैपिटल क्या चार्ज, यहाँ रखा था स्मॉल क्या चार्ज, और यहाँ रखा था ये स्मॉल क्या। और इस पॉइंट पे हमारे पास जो है एक और कैपिटल जो है क्या चार्ज रखा था, कैपिटल क्या चार्ज यहाँ पे रखा था, है ना। अब इस ये जो क्या चार्ज है ये इधर फोर्स लगा रहा है F1, है ना,
ये वाला क्या उच्चार नीचे फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा नीचे की तरफ, एफ टू, यहां तक समझ में आया। और ये जो चार्ज है ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखो, पहले अगर मैं इन दो स्मॉल क्याउ चार्जेस की बात करता हूं, तो ये पॉइंट, ये इस क्याउ चार्ज पे एक तो फोर्स लगा रहे हैं इधर एफ वन, और एक फोर्स लगा रहे हैं इधर नीचे ये एफ टू, ठीक। अब इन दो फोर्सेस का अगर मैं क्या निकालता हूँ, वेक्टर सम, क्या निकालता हूँ वेक्टर सम, तो उसकी डायरेक्शन क्या आने वाली होगी, इनके बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है। अब आपने बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ी है प्लस वन क्लास में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये तो पढ़ी है भाई हम सबने, है ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलते हैं कि अगर दो वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज किया जाए कि वो दो वेक्टर एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करें, जैसे कि मान लें ये हो गए, ये वेक्टर पी हो गया, ये वेक्टर क्या हो गया, तो उस टाइम पे जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा इट विल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये होता है इक्वल पी प्लस क्या होती है ना, यही होता है। और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके कुल होता है, अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा है, पी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्यू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, थीटा क्या है यहाँ इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, है ना, यही होता है। तो यहाँ पे थीटा कितना है भाई, 90 डिग्री। तो अब अगर मैं एफ वन और एफ टू का क्या निकालता हूँ, रिजल्टेंट, ठीक है, एफ वन और एफ टू का क्या निकालता हूँ, रिजल्टेंट, तो वो रिजल्टेंट इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करके ये डायगोनल आएगा, ठीक है, और उसको मैं मान लेता हूँ एफ प्राइम, ठीक। तो ये एफ प्राइम अगर मैं निकालता हूँ, मतलब मैं क्या निकालने वाला हूँ, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एफ वन एंड एफ टू, इनके रिजल्टेंट का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, वैल्यू निकाल लूंगा, डायरेक्शन नहीं निकाल लूंगा, तो मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा तो क्या आएगा बच्चों, एफ प्राइम इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एफ वन का स्क्वेयर प्लस एफ टू का स्क्वेयर प्लस टू एफ वन एफ टू कोस थीटा, थीटा कितना है, 90 डिग्री। अब भाई कोस 90 तो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल है ना, कोस 90 की जो वैल्यू है ये कितनी होती है, जीरो, तो यहाँ जीरो आ जाएगा, तो जीरो इंटू समथिंग, ये वाली टर्म सारी जीरो, तो हमारे पास एफ प्राइम बचेगा अंडर द रूट ऑफ एफ वन स्क्वेयर प्लस एफ टू स्क्वेयर, यही बचेगा, इधर वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इनकी वैल्यूज रख देंगे यहाँ सॉल्व कर लेंगे, और हमारे पास बच्चों एफ प्राइम जो है वो क्या आएगा, अंडर द रूट ऑफ, अब हमें पता है अगर आप पिछले पेज पे जाते हो, ठीक है, एफ वन और एफ टू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, एफ वन और एफ टू को इक्वल रख सकता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा एफ वन स्केयर, क्योंकि तो मैग्नीट्यूड सेम है, एफ वन की वैल्यू और एफ टू की वैल्यू सेम है, तो यहाँ एफ वन स्केयर प्लस एफ वन स्केयर, मतलब मैंने यहाँ क्या किया है, एफ वन के मैग्नीट्यूड को एफ टू के मैग्नीट्यूड के इक्वल रख दिया है, मतलब एफ टू की जगह यहाँ एफ वन रख दिया, तो यहाँ से बच्चों एफ प्राइम मेरा बन गया अंडर रूट ऑफ टू टाइम्स ऑफ एफ वन स्केयर, मतलब एफ प्राइम यहाँ से बन गया अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ एफ वन, ये बन गया, तो ये मेरे पास क्या आया, मेरा नेट फोर्स आई है एफ प्राइम, एफ वन की वैल्यू रख दो, एफ वन की वैल्यू रखूंगा तो ये बनेगी अंडर रूट टू एफ वन, एफ वन कितना था भाई, ये देखो एफ वन कितना था, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, है ना, तो रख दो इसकी वैल्यू पे क्या बनेगा, अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर, ये गलत लिखा गया, स्क्वायर अप कर देते हैं, ठीक है ना, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाय ए स्क्वायर, यही था। तो ये मेरे पास एफ प्राइम आया जो कि हमारी फोर्स एफ वन और एफ टू का रिजल्टेंट है, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है भाई एफ प्राइम, ठीक है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, लेकिन अभी यहाँ एक फोर्स और लगेगी इस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से, और वो हमें पता है वो इसी के अलोंग लगेगी, अगर आप ध्यान से देखो तो वो इसी डायरेक्शन में लगेगी एफ थ्री। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एफ थ्री और एफ प्राइम दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, जो हमारा एफ प्राइम है और जो हमारा एफ थ्री फोर्स है, दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो भाई वो तो सेम डायरेक्शन में है,
तो अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो इनका रिजल्टेंट सिंपली क्या हो जाएगा, एड। तो अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालता हूँ तो सिंपली क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो नेट फोर्स कितनी आएगी, एफ प्राइम का मैग्नीट्यूड प्लस एफ थ्री का मैग्नीट्यूड, तो निकाल लेते हैं, है ना। तो इसको पिछले पेज पे सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो इसका मतलब बच्चों जो हमारी नेट फोर्स आएगी एफ, उसका मैग्नीट्यूड जो हमें निकालना था वो क्या होगा, हमारी एफ थ्री फोर्स कैपिटल क्या उसे लगने वाली फोर्स प्लस जो अगले पेज पे हमने अभी निकाल ली थी एफ प्राइम फोर्स उनका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से एफ आ जाएगा। अब एफ थ्री कितना है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस एफ प्राइम। एफ प्राइम हमने अभी निकाला जो कितना आया हमारा, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई नॉट q³/a², है ना, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q(q)/a², है ना। इसमें से जो कॉमन आता है वो निकाल लो कॉमन भाई, तो फोर्स यहाँ से आपकी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ गया, साथ में क्यू अपॉन ये a² ये भी कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा है, यहाँ यहाँ 1/4 क्यू अपॉन a² कॉमन, यहाँ बचा सिर्फ क्यू अपॉन 2 प्लस, यहाँ पे क्या बचा भाई 1/4 पाई बाहर, क्यू भी बाहर a² भी बाहर, यहाँ बचा अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू, है ना, यही बचा ना। तो ये ब्रैकेट कर दी बंद। अब जस्ट हमें क्या निकालना है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो इसका और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों फोर्स आ जाएगी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन a² इंटू यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, ये बनेगा क्यू प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ क्यू। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द नेट फोर्स। तो ये दोस्तों हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया नेट फोर्स के लिए। आई होप सबको ये जो है समझ में आ गया क्वेश्चन। अगर अच्छे लगी वीडियो तो लाइक जरूर करना। ये तीसरा क्वेश्चन है इस सीरीज का। इसी तरह से मैं डेली एक एक दो दो क्वेश्चन जो है सोल्व करता रहूंगा और अपने यूट्यूब चैनल पे पेस्ट करता रहूँगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट, अभी इस क्वेश्चन का हमने सिर्फ पहला केस स्टडी किया है, इसके अलावा दूसरा केस भी है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक है ये चैप्टर 2 से है बच्चों। कहाँ से है, चैप्टर 2 से। तो जब चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल करेंगे तो तब आपको करा दिया जाएगा, या चलो अभी आपको करवा देते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, वो टॉपिक भी चलो आपको करवा ही देते हैं, ठीक है। चलो तो इसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए। तो अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए मैं कर देता हूँ ये सारा रब। अब इसमें लग सकता है बच्चों थोड़ा टाइम। ओके, इतना अच्छा ऑप्शन था भाई, मुझे याद नहीं था, सारा मैंने मिटा दिया, ठीक है ना। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे। अब सेकंड पार्ट सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। सेकंड पार्ट है आपका कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है। वैसे तो ये क्वेश्चन चैप्टर 2 से बिलोंग करता है, फिर भी चलो समझा देता हूँ। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्या होता है भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो दो चार्जेस, अगर दो चार्जेस की वजह से निकालनी है तो Q1 Q2 बाय उनके बीच की डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है भाई पोटेंशियल एनर्जी का। ये सिर्फ दो चार्जेस के लिए है, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ कितने चार्ज हैं भाई, चार चार्ज हैं। तो फोर चार्जेस के लिए देखो क्या आएगा। तो फोर चार्जेस हैं, कैसे निकलेंगे ये देखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कैसे हमें जो है फाइंड आउट करना है इसकी। बिल्कुल एक बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी वैसे सबको पता है क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी के कितना वर्क करना पड़ेगा चार्जेस को उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लेके आने के लिए। अब ये हमारे पास एक स्केयर है भाई, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ये एक स्केयर दिया है ए बी सी डी, ठीक है। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने हैं इन चार चार्जेस की, कि जब मैं इन चार चार्जेस को
इन कॉर्नर्स पे रख देता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि इन चार्जेस को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आने में हमने जो वर्क किया वो वर्क ही हमारी क्या होगी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो देखो कैसे निकलेगी। तो पॉइंट ए की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले सपोज मैं पॉइंट ए पे चार्ज लेके आता हूँ कैपिटल क्यू, तो जब मैं कैपिटल क्यू चार्ज को पॉइंट ए पे बच्चों लेके आता हूँ तो क्या मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं है अभी, ना तो ए पे कोई चार्ज है, ना बी पे कोई चार्ज है, ना सी पे कोई चार्ज है, ना ही डी पे कोई चार्ज है। तो अगर मुझे कैपिटल क्यू चार्ज को यहाँ लेके आना है तो मुझे किसी के अपोजिट कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा और कैपिटल क्यू चार्ज आराम से यहाँ आके बैठ गया। ठीक, अब सपोज बच्चों इन्फिनिटी से उठा के मैं कौन से चार्ज को लेके आता हूँ? स्मॉल क्यू चार्ज को। स्मॉल क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के जब मैं यहाँ लेके आऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। इसके अपोजिट वर्क करना पड़ेगा इस कैपिटल क्यू चार्ज में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कैपिटल क्यू चार्ज इस स्मॉल क्यू चार्ज को अपने पास आने से रोकेगा, रिपेल करेगा। तो इसका मतलब इस क्यू चार्ज को अगर यहाँ लेके आना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी निकलेगी वो किसके को लाएगी? 1/4πε0 कौन कौन से चार्जेस हैं? कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्केयर, ए स्केयर है ना, यहाँ पे हमारे स्मॉल क्यू चार्ज आके बैठ गया। ये आ गई प्लस। अब देखो दोस्तों, अब ये दो जगह अभी भी खाली है। अब यहाँ सपोज स्मॉल क्यू चार्ज आता है, कौन सा चार्ज? स्मॉल क्यू चार्ज इन्फिनिटी से आता है और यहाँ आके बैठना है उसको। तो इस स्मॉल क्यू चार्ज को अब किस किस के अपोजिट वर्क करना पड़ेगा? एक तो पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा है उसके अपोजिट, और एक पॉइंट डी पे जो चार्ज रखा है उसके अपोजिट। तो इसका मतलब इस क्यू की वजह से जो वर्क होगा वो हमारा क्या आएगा? 1/4πε0। पहले इस क्यू, ये क्यू जो वर्क करेगा इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, वो बन जाएगा 1/4 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस। अब इसके अपोजिट जो वर्क हुआ वो तो मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब ये चार्ज यहाँ आने के लिए इसके अपोजिट भी तो वर्क करेगा इस क्यू के, तो वो भी लिख लेंगे। तो बनेगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, मतलब ये वाला चार्ज क्यू, ये वाला चार्ज भी क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस है ना, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस का नीचे स्केयर नहीं होता, अभी गलती से मैंने स्केयर लिख दिया है, मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे डिस्टेंस का स्केयर नहीं आएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ स्केयर नहीं आएगा, यहाँ सिंपल डिस्टेंस आती है फॉर्मूले में, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। तो यहाँ पे बच्चों ये आएगा इनके बीच की जो डिस्टेंस, कितनी है इनके बीच की डिस्टेंस भाई? √2a, अभी निकाल ली थी, तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा √2a ब्रैकेट बंद है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम प्लस। अब तीसरा चार्ज बचा यहाँ पे, एक मतलब लास्ट चार्ज हमारा बचा कैपिटल क्यू। अब जब कैपिटल क्यू को यहाँ लेके आऊंगा बच्चों तो मुझे किस किस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है? यहाँ जो ऑलरेडी चार्ज पहुंच गया है क्यू, इसके अगेंस्ट भी, इसके अगेंस्ट भी, और इसके अगेंस्ट भी। तो इसको यहाँ लेके आने के लिए मुझे इन तीन चार्जेस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो मेरा वर्क कितना आएगा? 1/4πε0। पहले मैं इसके अगेंस्ट निकालता हूँ पॉइंट डी के अगेंस्ट, तो ये बनता है कैपिटल क्या इंटू स्मॉल क्या अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस ए। ठीक है, ये आ गया इनके बीच की डिस्टेंस ए। उसके बाद बच्चों हमें अब और किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा इसको यहाँ आने के लिए, इस क्यू चार्ज को यहाँ आने के लिए? एक तो स्मॉल क्यू चार्ज जो पॉइंट डी पे रखा है इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, एक स्मॉल क्यू चार्ज जो पॉइंट बी पे रखा है इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और एक कैपिटल क्यू चार्ज जो पॉइंट ए पे रखा है इसके अगेंस्ट। तो इसके अगेंस्ट तो लिख लिया मैंने वर्क, ऐसे इसके अगेंस्ट भी करते हैं पॉइंट बी के, तो ये बनता है 1/4πε0 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस ए प्लस। तीसरा जो इसको वर्क करना पड़ेगा वो इस कैपिटल क्यू के अगेंस्ट है, तो ये इनके बीच की डिस्टेंस हमें पता है कितनी है? √2a, तो ये बनेगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस √2a। तो ये हमारे पास आ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से जो कॉमन निकल सकता है उसको कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, जो कॉमन निकल सकता है उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों यहाँ से, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड भी कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो जो कॉमन निकल सकता है कॉमन निकाल लेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या आएगी? देखो पीछे देखो, यहाँ से 1/4πε0, ठीक है, और स्मॉल क्यू
अपॉन ए, ये कॉमन आ सकता है तो इसको कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू अपॉन ए, ये तो बच्चों कॉमन निकाल लेंगे। अब अंदर क्या बचा, देखो फर्स्ट टर्म में 1/4 क्यूब बाई ए निकल गया बाहर कॉमन, अंदर सिर्फ कैपिटल क्यू बचा है। क्या बचा है अंदर? कैपिटल क्यू। ओके, हम यहाँ क्यू भी कॉमन नहीं निकालेंगे भाई, क्योंकि कुछ टर्म्स में क्यू नहीं है। या ऐसा करते हैं, ए भी कॉमन नहीं निकालते, हम सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक। तो सिर्फ अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही कॉमन निकालता हूँ बच्चों, तो मेरे पास ये बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन। यहाँ अंदर क्या बचा? क्यू इंटू क्यू बाई ए, ठीक है, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में मेरे पास भी यही बचेगा, क्यू इंटू क्यू बाई है ना, प्लस कैपिटल क्या हो इनटू क्यू बाय प्लस, नेक्स्ट मेरे पास बचेगा क्यू इनटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाय अंडर रूट 2a, क्यू स्क्वायर बाय अंडर रूट 2a प्लस। इसके बाद बच्चों मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड में बचेगा, नेक्स्ट उसमें टर्म में कैपिटल क्या हो इनटू क्यू बाय, कैपिटल क्या हो इनटू क्यू बाय प्लस। नेक्स्ट टर्म में मेरे पास बचेगा भाई यही कैपिटल क्या हुआ बाय क्या हुआ इनटू ए, कैपिटल क्या हुआ इनटू क्या हुआ बाय ए प्लस। इससे नेक्स्ट स्लाइड में मेरे पास बचेगा बच्चों क्या हुआ स्केयर बाय अंडर रूट 2 ए, क्या बचेगा कैपिटल क्या हुआ का स्केयर बाय अंडर रूट 2 ए। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं बस, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी बच्चों यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये देखो क्यू क्यू बाई ए क्यू क्यू बाई ए क्यू क्यू बाई ए क्यू क्यू बाई ए, कितने हो गए 1, 2, 3, 4, तो मतलब 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल क्या हो इनटू स्मॉल क्या हो बाय ए प्लस, ये टर्म आ जाएगी क्यू स्केयर बाय अंडर रूट 2 ए प्लस, एक ये टर्म आ जाएगी कैपिटल क्या हो स्केयर बाय अंडर रूट 2 ए। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर ली। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना भी मत भूलना। अब तक हम CBSE के चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर चुके हैं, और कितने कर लिए हैं हमने अब तक? 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अभी मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करवा रहा हूँ, पहले 2 न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी एक वीडियो में सॉल्व कर चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और ये आज हमने 3rd क्वेश्चन जो है सॉल्व किया था आज की इस वीडियो में। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करता रहूँगा और उनकी वीडियोज अपलोड करता रहूँगा। सो कीप सपोर्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स।